तो अग्निपथ योजना के नाम पर बढ़ के हिंसा की आग में यूपी झुलसता हुआ दिखा है। कई शहरों में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की लपटें उठती नजर आई हैं। कुछ जगहों पर तो हालात इस कदर खराब हुए कि पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का भी सहारा लेना पड़ा है। रिपोर्ट देखें। देश के कई हिस्सों की तरह ही यूपी के कई शहर भी अग्निपथ योजना के विरोध में हुई हिंसा से झुलसते दिखाई दिए। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप अख्तियार करता दिखा। तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां विरोध करने वालों ने हरियाणा रोडवेज की बस में आग लगा दी, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं फायर ब्रिगेड ने साग पर काबू पाया और बस में सवार यात्रियों को बचाया। मथुरा में नेशनल हाईवे पर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्रों ने जमकर पथराव किया। इस पथराव में कई लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस पर पथराव कर रहे थे, लेकिन इसके जद में कई सारे आम लोग भी आ गए। वहीं कई लोगों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पथराव से बचाया। ग्रेटर नोएडा के जेवर में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र होता दिखा, जहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने यहां पुलिस पर पथराव किया, तो वहीं पुलिस ने भी छात्रों पर जमकर लाठी चार्ज कर उन्हें दूर खदेड़ा। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे इंटरचेंज पर भी अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पीएसी कर्मी को घेर कर जमकर पिटाई कर दी। आगजनी के बाद पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की, जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने भी छात्रों पर हल्के बल का इस्तेमाल किया। पूर्वांचल के बलिया में भी अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन हिंसक होता दिखाई दिया, जहां पर छात्रों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की और ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से बलिया रेलवे स्टेशन पर हालात बेहद तल्ख दिखाई दिए। वहीं इसके बाद पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज किया और जमकर इनकी पिटाई की गई। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। वाराणसी में भी अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों ने जमकर हुड़दंग मचाया। कैंट रेलवे स्टेशन पर इन छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। पथराव और तोड़फोड़ के डर से इलाके के लोगों ने दुकानों को बंद कर दिया और हालात बेहद तनावपूर्ण दिखाई दिए। उन्नाव में भी अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इन छात्रों ने पुरानी भर्ती योजना को लागू करने की मांग की और इस मांग का ज्ञापन जिले के अधिकारियों को सौंपा। जौनपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में हुआ प्रदर्शन भी उग्र होता दिखा, जहां पर विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने पथराव कर दिया, जिसे देखते हुए पुलिस ने भी छात्रों पर एक्शन लिया। वहीं पुलिस ने बाद में किसी तरह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझा बुझाकर मना लिया। अमेठी में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ पर बड़ी तादाद में युवा रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करते और भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे, जिसके बाद युवाओं के साथ एसपी खुद जमीन पर बैठे और किसी तरह से इनके प्रदर्शन को खत्म करवाया। वहीं हालात को देखते हुए बड़ी तादाद में जवान तैनात रहे। कानपुर देहात में भी सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं ने सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान इन लोगों ने दो ट्रेनों को भी रोक दिया और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। वहीं विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के जवान और एडीजी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने किसी तरह से युवाओं के प्रदर्शन को खत्म करवाया। गाजीपुर से भी अग्निपथ योजना के विरोध की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर विरोध को देखते हुए प्राइवेट बस सेवा, रोडवेज और रेलवे सेवा ठप दिखाई दिए। कई जगहों पर अग्निपथ योजना का युवाओं ने विरोध किया और हालात को देखते हुए गाजीपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी रख रही है। अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इन सारी तस्वीरों से साफ है कि यूपी में भी बड़े पैमाने पर अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि योजना के विरोध की आड़ में जिस तरह से कई जगहों पर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, उसके बाद अब पुलिस और प्रशासन भी सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि विरोध के नाम पर ऐसी हिंसा को किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।